हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं ना मैंने प्रिपरेशन की है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होता है। वैसे तो सबको पता है, ये देखिए इस तरीके से आप लोग समोसे बना के रख लें। ये दो हमने समोसे बना लिए हैं और जी इस तरीके से हमने रोल्स बनाए हैं। ठीक है, रोल्स को जो है हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना होता, सेपरेट सेपरेट रखते हैं, क्योंकि जब फ्रीज हो जाते हैं फिर निकालना मसला हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे रोल समोसे जो हैं टूट जाए। एक दो टिप्स थी बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ये चने इस तरीके से आप लोग बॉयल करके रख लीजिए। ठीक है, बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आसान हो जाता है आपका अफ्तारी के लिए ना। ये देखिए इस तरीके से मैंने इतने ही बनाए, ख़त्म होने से पहले फिर हम और बॉयल करके रख लेंगे। ये चने हो गए हमारे, और यहाँ पे है जी ये कबाबों का मिक्सर है, कबाब भी हमने बना के फ्रीज कर लेने हैं। पराठे बेल के आप वो रख लीजिए ताकि आपकी जो है सहरी बनाने में आसानी हो जाए, अफ्तारी में भी आसानी हो जाए। और ये जी इसको हम कर लेते हैं, कबाब बना लेते हैं। ये कि चीज़ों की आप तैयारी पहले कर लेना, आपके लिए रोज़े रखने में जो है आसानी हो जाएगी, थकावट नहीं होगी। वरना जो है साथ साथ रोज़े होते हैं साथ साथ काम, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आई होप कि सबने प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। तो देखें इस तरीके से ये जो घर में नॉर्मल पेपर आते हैं इसको हमने ऐसे लगा लेना, और एक एक कबाब हम रख देंगे सेपरेट सेपरेट, दूसरा शॉपर लगाएंगे बाकी के रख देंगे। तो इस तरीके से एक एक काम आसान हो जाता है। कबाब बना के रख लेना सहरी में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप साथ दही जमा लें तो ये के इजी हो जाता है। इसी टाइम नहीं बच्चे खाते, एग भी ज़रा सहरी में कम ही अच्छा लगता है। मोस्टली लोग खाते भी हैं, लेकिन जो है मैं अपने बारे में बता दूँ कि कबाब और दही भी होना तो आपका सहरी है हो जाती है रेडी। साथ पराठे बेल के रख लें। किसी टाइम ऐसा होता है कि आप लेट अगर हो जाएं तो सहरी में पराठे बेले होंगे तो आप फटाफट उसको कुक कर लेंगे, साथ साथ आप जो है दूसरी साइड पे आप कबाब फ्राई कर लेंगे। तो ये है कि आपका रोज़ा जो है बग़ैर सहरी के नहीं होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये टिप्स हैं, अगर आप लोग फॉलो करें तो आसानी हो जाती है। वैसे तो सारी जो वुमेंस हैं उनको तो सब ज़्यादातर पता ही है, लेकिन मैं अपनी तैयारी आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे ये चीज़ों की प्रिपरेशन करती हूँ। ऐसे कबाब बनाएंगे हम। दही का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, दही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके स्टमक को ठंडा रखता है। और अगर हो सके तो आप जो है इस क्या कहते हैं तुख मलंगे का इस्तेमाल करें, भिगो के रख लें सहरी में, दूध में डाल के पी लें। बच्चों को आप जो है आदत डालें कि वो सहरी में आप उनको पराठा ही दें, दही दे दें, साथ उनको मिल्कशेक बना के दे दें, ताकि बच्चों का जो है रोज़ा भी अच्छे से गुजर जाए। वैसे बच्चों को लगता नहीं है रोज़ा, बच्चे खुश होके रखते हैं। और जी ये कबाब ऐसे हमने बना लेने, फ्रीज कर लेंगे। और जी हमारी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो गई है, बस अब मैं पराठे भी बेल के वो भी रख दूँगी। ऐसे पराठों का भी लेयर हमने ऐसे ही लगाना था। मार्केट के बजाय आप खुद अगर घर में पराठे बना के रखेंगे ना, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और जो गंदम का आटा है, चक्की का आटा जो फ्रेश होता है, वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ जी, तो ये देखें कबाब हमने इस तरीके से बना लिए हैं, ऐसे हमने लेयर लगा देनी है। जब फ्रीज होंगे ना तो इनको हमने निकाल के इस तरीके के में पैकेट्स में, मेरे पास ये काफ़ी रखे हुए थे तो मैंने जिप लॉक नहीं मंगवाए, ठीक है, इसमें हम डाल के जैसे हमने समोसे रोल रखे हैं तो इनको हम रख लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से बना के फ्रीज कर लें चीज़ें, ताकि आपकी सहरी अफ्तारी में आसानी हो जाए। और टमाटर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, टमाटर कर लें फ्रीज़ क्योंकि वो काफ़ी महंगे हो गए, अब और ज़्यादा मज़ीद महंगे होंगे। तो ये जी हमारे रोल समोसे हो गए। रोल समोसे हैं, और ये हमारे हो गए हैं चिक पीस, सफ़ेद चने, दही भले में निकाले थोड़े से डाल लें। और जी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि आपको जो है इन कामों में टाइम ज़्यादा ना आप लगाएं, ये पहले बना के रख लें। खैर अब तो रोज़ा ही, जब ये वीडियो आप तक आएगी तो तब तो रोज़ा हो गया होगा माशाल्लाह से। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। बस ये थोड़ी छोटी सी
छोटी सी प्रिपरेशन थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।